गुड इवनिंग, बोलो। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू। ओके, चलो अभी तुम लोग दोनों दिख रहे हो और बाकी सब लोगों को भी गुड इवनिंग। और अभी मैं कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बताओ जरा। डिस्कवरी ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए, हाँ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। राइट। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने उस पर रिसर्च किया था, ठीक है, अलग अलग टाइप का रिसर्च किया था। बट अभी ये जो रिसर्च अभी एक्सपेरिमेंट में बताने वाली हूँ वो सबसे बड़ा रिसर्च है। ओके, मतलब कि जिससे ये प्रूव होता है कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये सबसे लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और पीपीटी तुम सब लोग को शेयर कर रही हूँ, ठीक है। दिख रहा है सामने? यस मैम। यस मैम। ठीक ओके। तुम लोग को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। स्टार्ट करते हैं। ये जो हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट है ना, इससे हम लोग स्टार्ट करने वाले, यही है जो लास्ट का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अभी इसमें तुम लोग को इमेजेस दिख रहे हैं दो लोगों के। वो यस मैम। दोनों जो है वो हर्षे और चेज, ये दोनों साइंटिस्ट है। ओके, तो अभी इन लोगों ने जो फाइनल थ्योरी थी डीएनए की वो प्रूव की थी। ओके, तो अभी मैं लाइन टू लाइन सारा पढ़ते जाऊंगी और एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। और अगर समझ आ जाए लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद में तो बस ओके ओके बोल देना, ठीक है। अभी फर्स्ट पॉइंट देखो। ए हर्षे एंड एम चेस इन 1952 प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल बाय यूजिंग बैक्टीरियोफेजेस। ओके, अभी इन लोगों ने कौन सी मेथड यूज की थी? बैक्टीरियोफेजेस। ओके, अभी ये बैक्टीरियोफेजेस मेथड क्या होती है अभी ये मैं बता रही हूँ। बैक्टीरियोफेजेस मीन्स द वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। ओके, अभी इसमें जो बैक्टीरियोफेजेस में जो फेजेस है ना उसका मीनिंग होता है वायरस। ओके, और बैक्टीरिया, बैक्टीरियो मतलब का ऑब्वियसली बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो अभी जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। समझ में आ गया ये? हेलो, हाँ हेलो, यस मैम। अगर तुम्हें कुछ डाउट होते हैं तो बता देना बीच में, ठीक है। ओके, मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट ले रही हूँ। T2 वायरस एंड इकोलाई। अभी ये बैक्टीरियोफेजेस में एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑब्वियसली उनको एक बैक्टीरिया चाहिए होगा और एक वायरस चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी इसमें इन लोगों ने वायरस जो लिया था वो T2 वायरस था, और उन्होंने जो बैक्टीरिया लिया था वो एक बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है इकोलाई, जो हमें पता होगा, जो तुम्हें पता होगा। ओके, तो अभी ये T2 वायरस ही इन्होंने क्यों लिया था? क्योंकि ये जो T2 वायरस है ये इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। आगे मैं तुम्हें इमेज दिखाऊंगी कि तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है जो आगे तुम्हें पता चलेगा। एंड दे टू T2 वायरस बिकॉज इट कंटेन्स अ सिंपल स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया, ठीक है। अभी ये देखो इमेज दिख रही है तुम्हें? अभी यस ये मैम। को थोड़ा देख लो अच्छे से कि यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं। अभी ये बैक्टीरियोफेज T2 वायरस है यहाँ पे, जिसमें कि ये अंदर डीएनए होगा जो कि हमें बताया अभी जेनेटिक मटेरियल है बट उनको नहीं पता था, ठीक है। और ये जो आउटर, ये ब्लैक वाला जो कवरिंग है ये होगा पूरा प्रोटीन, ठीक है। अब इसके पार्ट्स को क्या क्या बोलेंगे ये सारा इधर लिखा हुआ है।
जो ये इसके स्पाइंस लाइक है तो इसको हम लोग लॉन्ग टेल फाइबर्स बोलेंगे. इसका जो नीचे बेस है वो बेस प्लेट है, और देन कोलार, देन ये टेल का रीजन, देन ये हेड का रीजन. ओके, तो अभी यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा है. टी टू वायरस कंटेन्स टू बायो मॉलिक्यूल्स एंड दैट इज प्रोटीन एंड डीएनए. अभी ये कौन से दो मॉलिक्यूल्स कैरी करता है? फर्स्ट वन तो डीएनए और दूसरा जो होगा वो प्रोटीन होगा. ओके, और यही इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर है. इसका सिंपल स्ट्रक्चर की वजह से वो लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है. ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं. अभी ये देखो, उन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये तो हमें वायरस मिल गया, ठीक है, और अभी उसको बैक्टीरिया में इंटर करवा के वो देखना इजी नहीं है कि उसमें डीएनए गया है या प्रोटीन गया है. तो अभी ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं बता रही हूँ कि उन सबको हमें लाइक अगर डीएनए और प्रोटीन हम ले रहे हैं, मतलब डीएनए जाता है या प्रोटीन जाता है, ये देखने के लिए उन लोग को एक टैग कर देना पड़ता है. उनको मतलब डीएनए को एक टैग देना पड़ता है और प्रोटीन को अलग टैग देना पड़ता है, ठीक है. अभी इन लोगों ने कौन से टैग दिए थे वो मैं बता रही हूँ. फर्स्ट पॉइंट देखो, दे डिसाइडेड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया विद वायरस. अभी इन लोगों ने क्या किया था, ऑब्वियसली अगर देखना है कि कौन सा एंटर करता है तो उनको पहले इन्फेक्ट करना पड़ेगा या फिर उस वायरस को उस बैक्टीरिया से अटैच करना पड़ेगा. देन सेकेंड पॉइंट आता है टू सी विच मॉलिक्यूल इज गोइंग टू कॉज इन्फेक्शन. ओके, मतलब कि ऑब्वियसली देख रहे हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल इन्फेक्शन करने वाला है, डीएनए है या प्रोटीन है, ठीक है. तो नेक्स्ट है टैगिंग इज इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली मैंने जो बताया. अब टैग किससे करते हैं, देखो टैग्स जिससे करेंगे वो होंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. अभी ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं कोई बताएगा? किसी को पता हो तो. अच्छा मैं ही बता देती हूँ. ओके, अभी ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, जो कि वो एनर्जी कैरी नहीं कर पाते, दैट्स वाई वो इम्बैलेंस होते हैं या फिर अनस्टेबल होते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अंदर की एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो रिलीज करते हैं, और वो हमें पता चल जाता है कि हाँ इसके पास बहुत सारी एनर्जी है, वो एनालिसिस करने के बाद में, रेडियो एक्टिविटी देखने के बाद में, ठीक है. तो अभी इन लोगों ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए थे 32 फॉस्फरस एंड 35 सल्फर. ओके, अभी ये दोनों ही क्यों लिए होंगे, मतलब व्हाई दिस आइसोटोप्स? अभी ये दो ही आइसोटोप्स क्यों लिए थे उन लोगों ने? तो अभी देखो नीचे का पॉइंट, फॉस्फरस इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए नॉट इन प्रोटीन. ओके, अभी ये जो फॉस्फरस का अगर तुम लोग स्ट्रक्चर देखोगे डीएनए का, तो यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप है. ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉस्फरस प्रेजेंट होगा. तो अभी ये जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, ये जाके अगर हम फॉस्फरस में डीएनए को डालते हैं या फिर उसके मीडियम में उसको डाल के ग्रो करते हैं, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली रेडियो एक्टिविटी करेगा, ठीक है. तो इसलिए हम फॉस्फरस यूज करते हैं सिर्फ डीएनए के लिए, प्रोटीन के लिए नहीं, क्योंकि अगर हमने प्रोटीन डाला तो वो उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं दिखाएगा. ओके, तो 35 सल्फर भी लिया हुआ है. अभी सल्फर किस लिए है, ये किसको टैग करेगा, ये प्रोटीन को टैग करेगा. अगर 35 एस है तो ये जाके प्रोटीन को अटैच होगा. ओके, मतलब ये दोनों रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे मिलकर. अभी ये फॉस्फरस है जो कि डीएनए के लिए है, और सल्फर है जो कि प्रोटीन के लिए, ठीक है. अभी ये दोनों ने तो टैग किया कि वायरस में डीएनए के लिए पी है और प्रोटीन के लिए एस है. तो अभी उसमें का कौन सा पार्ट जाएगा वो डिसाइड करेगा रेडियो एक्टिविटी शो होने के बाद. अगर फॉस्फरस है तो वो डीएनए है, और अगर सल्फर है तो वो प्रोटीन होगा. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे भी ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, इसमें भी एक सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है. ओके, प्रोटीन्स में ऑब्वियसली क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. तो उनमें अलग अलग लाइक मिथियोनिन होता है अमीनो एसिड्स में, और एक हाँ मतलब उसमें सल्फर मॉलिक्यूल ही होता है प्रेजेंट. तो उस टाइम पे अगर सल्फर रेडियो एक्टिविटी शो करता है तो उससे जाके अटैच होगा. अभी हम लोग को क्या करना है, ग्रो दिस बैक्टीरियोफेजेस डीएनए एंड प्रोटीन इन पी एंड एस मीडियम, देन दे विल इमिट एक्स्ट्रा एनर्जी बिकॉज इट बिकम्स अनस्टेबल.
जो कि मैंने अभी बताया, एंड दे विल टैग विद अ पी एंड एस, मतलब वो पी और एस से क्या करेंगे, टैग हो जाएंगे, मतलब कि वहां पे इंसर्ट उनको समझ आ जाएगा कि डीएनए है या प्रोटीन है. ठीक है, अभी जो हम मेन एक्सपेरिमेंट होगा वो देखते हैं. ठीक है, ये सब सबको समझ आया ये वाला पार्ट? यस मैम. मैं कोई डाउट्स नहीं है ना कि सल्फर या फिर फास्फोरस के बारे में? हेलो. नो मैम. ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या था. अभी इस एक्सपेरिमेंट में मेन तीन जो फेसेस हैं वो ये हैं. ओके, तो इसमें फर्स्ट वन वाला जो स्टेज है वो इन्फेक्शन या फिर अटैचमेंट है, सेकंड वाला जो है ब्लेंडिंग है, थर्ड वाला जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन है. ठीक है, अभी मैं ये एक एक लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ. इन्फेक्शन या फिर अटैचमेंट, ये पॉइंट का मतलब है कि बैक्टीरियोफेज जो होता है, मतलब वायरस जो है वो बैक्टीरिया को जाके पहले हम लोग को अटैच करना है. जब तक हम लोग अटैच नहीं करेंगे तब तक वो ऑब्वियसली इन्फेक्ट नहीं होगा. ओके, तो फर्स्ट इसमें जो आता है वो अटैचमेंट होगा. देन उसके बाद आता है ब्लेंडिंग. अभी अटैच तो हो गया है राइट, बट उसमें का कौन सा कंटेंट है जो अंदर जाता है ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा उसको ब्लेंड करना पड़ेगा या फिर मिक्स करना पड़ेगा. ओके, तो ये मिक्स करने के बाद जो भी मटेरियल है, जेनेटिक प्रोटीन हो या डीएनए हो, वो अंदर चला जाएगा. ओके, सो बाद में जो आता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन. अभी सेंट्रीफ्यूगेशन किस लिए करते हैं, अगर उसमें से कोई एक पार्ट उसमें एंटर हो गया है, वो प्रोटीन हो या डीएनए हो, तो उसमें एंटर होने के बाद में हमें वो दोनों अलग अलग सेपरेट फेजेस में चाहिए. मतलब कि अगर हम उसको टेस्ट में लेते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या हुआ, एक ग्राइंडर की तरह होता है जो घूमता रहता है, और बाद में जो हैवी सेल की डेंसिटी होती है वो सारे नीचे आ जाते हैं और बाकी का जो कंटेंट रहता है जो अटैच नहीं है वो ऊपर चला जाएगा. ओके, ऊपर जो टॉप पे लिक्विड के जो लेयर होता है उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं, और नीचे जो सेल्स होंगे जो कि बैक्टीरिया को नीचे जो बैक्टीरिया होंगे जिसमें डीएनए अटैच होगा या प्रोटीन अटैच होगा, जो भी अटैच होगा वो नीचे सेल में आएगा. ओके, उसको पैलेट बोलेंगे. ठीक है, ये सारे क्लियर हो गए? हेलो. ये समझ में आया कुछ अभी जो मैंने बताया? यस मैम. सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? ओके, चलो फिर आगे जाते हैं. अभी तीन प्रोसेस तो मेन है. ओके, अभी इसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था ये देखते हैं. अभी फर्स्ट वन, ये जो इमेज में दिख रहा है यहाँ पे, ये तो फर्स्ट वन जो है इसमें फॉस्फरस लेबल डीएनए है, मतलब ऑब्वियसली डीएनए में फॉस्फरस होता है, तो इन लोगों ने ये रेडियो एक्टिव फॉस्फरस जो है वो ऑब्वियसली डीएनए को फॉस्फरस में ग्रो किया हुआ है और प्रोटीन को सल्फर में ग्रो किया हुआ है, और बाद में ये वायरस लेके इन लोगों ने अभी इमेजेस के हिसाब से मैं तुमको बताती जाऊंगी. यहाँ पे सल्फर लेबल्ड प्रोटीन है कैप्सूल और यहाँ पे फॉस्फरस लेबल्ड डीएनए है. ओके, फर्स्टली हम डीएनए का देखते हैं, फिर बाद में हम लोग प्रोटीन का देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे 32P लेबल डीएनए, मतलब कि डीएनए पे जो उसका टैग है वो 32 फॉस्फोरस है. मतलब हम लोगों ने ये जो वायरस लिया है यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने डीएनए को टैग किया हुआ है, ये जो प्रोटीन है इसको हम लोगों ने टैग नहीं किया हुआ. ओके, तो यहाँ पे फॉस्फोरस सिर्फ डीएनए को टैग हुआ है, ये जो ग्रीन वाला अंदर डीएनए लाइक स्ट्रक्चर है वो ये है. ओके, तो उसके बाद में मैं पढ़ती हूँ ये पूरी प्रोसीजर एंड देन मैं एक्सप्लेन करती हूँ. We have tagged DNA by 32P and now we have to attach. We have to attach it or infect it to the bacteria in first phase of infection. Then we have to mix it so the genetic material will enter. After this centrifugation occurs and to see radioactivity. As a result, we can see that radioactivity is entered into cell pellet and in supernatant non-tagged protein is present. ओके, इसमें से कुछ समझ में आया किसी को?
जो बात कर सकते हैं वो बताओ. किसी को समझ में आया मैं अभी क्या बताया? शिफा, शिफा खान कौन है? थोड़ा अपना अनम्यूट करके बता दो. हेलो, एटलीस्ट बता दो तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया. यस मैम. यस मैम. अभी आगे का मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर समझ में आता है तो एटलीस्ट ओके बोल दो. मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम लोग को समझ में आया तभी मैं आगे जाऊंगी. ओके ओके ओके. ठीक है, तो अभी ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ. 32 पे लेबल डीएनए क्या है कि इसमें ये फॉस्फोरस लेबल डीएनए है जो कि यहाँ पे है. तो ये क्या होगा, ये बैक्टीरिया का सेल है जहाँ पे हम लोग को इन्फेक्शन क्रिएट करना है. ओके, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें से डीएनए जा रहा है या प्रोटीन जा रहा है. अभी यहाँ पे हम लोगों ने इसको इन्फेक्शन कर दिया, मतलब इससे अटैच कर दिया. ओके, अभी अटैच किससे होगा, इसके जो टेल फाइबर्स थे, मतलब ये जो लेग्स लाइक स्ट्रक्चर थे वो टेल फाइबर्स उनको बोलते हैं, तो वो उससे हम लोग इसको इन्फेक्शन दे देंगे या फिर अटैच कर देंगे. अब सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, हमें थोड़ा ब्लेंडिंग करना पड़ता है ताकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेल के अंदर चला जाए और वहाँ पे ग्रो होने लगे. तो अभी यहाँ पे इन लोगों ने ब्लेंडिंग किया, तो उसके बाद में यहाँ पे का जो फॉस्फोरस लेवल डीएनए था, जो ग्रीन कंटेंट था, वो सेल के अंदर चला गया. और ये जो बाहर का जो कवरिंग है ये प्रोटीन का, ये बाहर ही है. ओके, तो अभी ये बाहर है, मतलब ये थोड़ा आसपास ही होगा और ये जो है ये पूरा अंदर जा चुका है. अभी हम इसको बाद में थर्ड प्रोसेस में क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे. जब ये सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो उस टाइम पे ये जो प्रोटीन का लेयर है ये इसे अटैच नहीं होने वाला, इसलिए ये बहुत दूर चला जाएगा या फिर लिक्विड के ऊपर के मतलब टॉप पे पूरा ऐसा एक उसका लेयर रहेगा. और जहाँ पे बेस होगा लाइक डाउन के पार्ट में पूरे ये सेल्स होंगे और उसके अंदर जो ये एंटर किया हुआ डीएनए है जो कि रेडियोएक्टिव शो करता है, वो डीएनए यहाँ पे नीचे बैठा होगा. ओके, तो जब हम देखेंगे, जब इन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया फॉस्फोरस लेबल डीएनए के साथ में, तो उस टाइम पे जब उन्होंने सेल का एनालाइज किया तब रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे उनको डाउन पार्ट में दिखी. मतलब अगर एक मिनट में बता दूं, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तुम सबको? अभी यहाँ पे समझो ये टेस्ट ट्यूब है, तो यहाँ पे नीचे जो बैठा होगा वो सेल्स और डीएनए होगा हमारा, और यहाँ पे ऊपर जो ये रहेगा ये कंटेंट, ये सुपरनेटेंट और ये पैलेट रहेगा. ये डीएनए और सेल्स है और ये ऊपर का जो है ये प्रोटीन है. अभी उन लोगों ने जब रेडियो एक्टिविटी चेक की थी तो उनको सबसे ज्यादा मतलब रेडियो एक्टिव जहाँ भी दिखी थी वो ये रीजन था, उनको यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं दिखी. इसका मतलब सेल में अगर उनको डीएनए की रेडियो एक्टिविटी दिख रही है तो इसका मतलब डीएनए ने इसमें एंटर किया हुआ है. ओके, इतना समझ में आया यहाँ तक कि इसमें नीचे के डाउन के पार्ट में डीएनए ने पूरा एंटर किया हुआ है और वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी शो हुई है. मतलब यहाँ पे उनको समझ में आ गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, तो अभी इन लोगों को ये समझ में आ गया कि हाँ डीएनए एंटर कर सकता है, बट ये तो नहीं है कि प्रोटीन कर सकता है या नहीं कर सकता, ये अभी उन लोगों ने नहीं देखा था. तो उनको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रोटीन एंटर नहीं कर सकता, तो इसलिए उन लोगों ने बाद में क्या किया, प्रोटीन को सल्फर से लेबल किया. अभी प्रोटीन को सल्फर से लेबल क्यों किया, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट है तो वो रेडियो एक्टिविटी कैरी करेगा. ओके, तो इसमें इन लोगों ने सल्फर में ये प्रोटीन जो है वो ग्रो किया हुआ है और बाद में यहाँ पे वायरस लिया. अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रेड रेड बाहर का है
ये पूरा सल्फर लेबल्ड है ओके okay? और अंदर का जो डीएनए है उसको लेबलिंग नहीं है कोई भी, या फिर उसके ऊपर कोई भी टैग नहीं है। अभी ये मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, इसके बाद में मैं ये नेक्स्ट प्रोसीजर एक्सप्लेन करूँगी ओके। तो फर्स्ट वन देखो, 35S labeled protein, again we have to attach bacteriophage with bacteria, then mixing process. Here we have tagged protein with radioactive sulfur. After mixing or blending, we have to centrifuge it in a test tube so the cell can go down and non-attached material will found at the top. As a result, the radioactivity found in supernatant, that means the protein is not a genetic material. They have successfully proved that DNA is a genetic material. Okay? अभी ये प्रोसेस तुम्हें कितनी समझ में आई नहीं पता, बट अभी मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो सल्फर लेबल्ड प्रोटीन है, यहाँ पे ये बाहर का जो रेड वाला पार्ट है, ये ऑब्वियसली ये टैग है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया, इसको अटैच करा दिया सेल से बैक्टीरिया से। तो उसके बाद में क्या होगा, थोड़ा सा ब्लेंडिंग करने के बाद या फिर मिक्सिंग करने के बाद ये जो प्रोटीन है वो इसमें नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसमें जीन, इसमें डीएनए तो एंटर हो गया बट ये जो है ये बाहर ही रह गया, ठीक है। बट थर्ड प्रोसेस में एक्चुअल पता चलेगा कि प्रोटीन कहाँ है। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में पता चला कि प्रोटीन अगेन सुपरनेटेंट था, मतलब वो टॉप पे था, पर नीचे बॉटम में जो सेल्स थे, बैक्टीरिया थे, उसमें डीएनए प्रेजेंट था। क्योंकि वो टैग नहीं है तो वहां पे रेडियोएक्टिविटी शो नहीं होगी। अब ये दूसरे इसमें टेस्ट ट्यूब में कहां रेडियोएक्टिविटी शो हो रही थी, वो टॉप पे हो रही थी, क्योंकि प्रोटीन को हम लोगों ने टैग किया था तो वो एंटर नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वो टॉप पे होंगे और रेडियोएक्टिविटी भी टॉप पे ही दिखेगी हमें, ठीक है। तो भी ये दो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि डीएनए ही है जो एंटर करता है बैक्टीरिया सेल के अंदर, और वही है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पूरी कैरी करता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट है ये एक्सपेरिमेंट में? नो मैम। ओके, तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट वो सब लेना हो तो ले सकते हो। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। ओके, जैसे जैसे लेके हो जाएगा मुझे बता देना। इसका हो गया? यस मैम। ओके, अब ये थर्ड वन ले लो। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए का है और ये जो है वो प्रोटीन का है। और ये जो है मेन एक्सपेरिमेंट, इसके तीन पेजेस है और ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। हो गया? यस मैम। ओके, अभी हम लोगों ने पूरा एक्सपेरिमेंट देख लिया कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो इसके आगे भी हमें डीएनए के बारे में ही देखना है कि वो प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, यूकैरियोट्स में कैसा होता है, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, वो सब देखना है। उससे पहले हमें क्या देखना होगा कि डीएनए का बेसिक जो एक स्ट्रक्चर होता है कि डीएनए कैसा है, उसके मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, वो सारे मैं अभी यहाँ पे बताऊंगी। और डीएनए पैकेजिंग, मतलब जहाँ पे डीएनए की अरेंजमेंट कैसी है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, वो हम लोग कल देखेंगे। अभी आज जो हम देखने वाले हैं अभी वो डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो अभी स्लाइड दिख रही है सबको? ओके, अभी ये मैं पॉइंट वाइज पढ़ती जाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे देखो, जे डी वॉटसन एंड क्रिक फर्स्ट प्रपोज द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए इन 1953। अभी इन लोगों ने 1953 में क्या किया था, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था, जो कि उसका पूरा स्ट्रक्चर है जो कि ट्विस्टेड फॉर्म में है, उसका मॉडल इन लोगों ने बनाया, ठीक है। अभी उन लोगों ने क्या किया था, हर्शी और चेज ने, इन लोगों ने प्रूफ किया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और इन लोगों ने उसका स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आता है द डीएनए
यहाँ पे गलती से आईडी हो गया. डीएनए द डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल. ओके, अभी पॉली का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे. ओके, अभी ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या होते हैं वो हम आगे देखते हैं. अभी यहाँ पे एक शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन. अभी इसके तीन जो है वो मेन है. न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या आता है, न्यूक्लियोसाइड्स आते हैं, देन फॉस्फेट ग्रुप आता है. ओके, एंड देन शुगर भी उसके नीचे ही आता है. तो यहाँ पे ये जो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है ये यहाँ पे बैकबोन की तरह वर्क करेगा. मतलब ये जो इसके स्ट्रेट स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये पूरा इसके जो बैकबोन है, ये शुगर और फॉस्फेट जो है ये फॉर्म करेंगे इसका बैकबोन. ओके, और ये बीच में जो है ये सारे नाइट्रोजनस बेस है. ओके, जो कि बीच में मेन डीएनए का स्ट्रक्चर है. और ये उसके टू स्ट्रैंड्स. ओके, फर्स्ट वन देखते हैं न्यूक्लियोटाइड. अब ये न्यूक्लियोटाइड में एक और एक फॉर्म है जो न्यूक्लियोसाइड है. न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं हम इसको, जिसमें नाइट्रोजनस बेस आता है, शुगर आता है और अलग से फॉस्फोरिक. अभी ये न्यूक्लियोटाइड में दो टाइप्स आते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड. अभी ये फॉस्फेट ग्रुप उधर हो गया और नीचे न्यूक्लियोसाइड आ गया. अभी न्यूक्लियोसाइड में अगेन दो टाइप्स आते हैं जो कि नाइट्रोजनस बेस होंगे और शुगर होगा. ओके, इसका बाद में एक चार्ट है उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा. नाइट्रोजन बेसिस कंटेन प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. अभी ये जो नाइट्रोजनस बेस होंगे ये जो बीच में प्रेजेंट है यहाँ पे, ये क्या करते हैं, इसमें अगेन दो टाइप्स हैं प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स करके. अभी प्यूरिन्स में कौन कौन से आते हैं, पिरिमिडिन्स में कौन कौन से बेस पेयर्स आते हैं वो देखते हैं. प्यूरिन्स में जो आते हैं वो एडेनाइन एंड ग्वानिन आते हैं. इसका फॉर्मूला, इसको ए से डिनोट करते हैं एडेनाइन को और ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं. Where the pyrimidines are cytosine and thymine. Okay, so ये thymine जो है और cytosine जो है ये भी nitrogenous bases हैं जो कि pairing में होते हैं. यहाँ पे guanine जो है वो cytosine से attach होता है और adenine जो है वो thymine से attach होता है. यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा image में, ये जो purines है वो pyrimidines को attach होते हैं. ठीक है, यहाँ पे adenine है, यहाँ पे thymine है. अभी ये DNA में, बट आरएनए में कैसे होता है, यहाँ पे थायमिन की जगह यूरैसिल होता है. मतलब आरएनए में उसको रिप्लेस किया हुआ है थायमिन को यूरैसिल से. तो यहाँ पे ये जो दो है, अभी ये डीएनए में ए और टी इससे अटैच होंगे. अगर समझो यहाँ पे टी है, समझो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे टी होगा, ये इनका पेयरिंग है. तो यहाँ पे जैसे लिखा है इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल, जो अभी मैंने बताया. अभी नेक्स्ट पॉइंट है, adenine of one strand pairs with the thymine of another strand by two hydrogen bonds and vice versa. अभी यहाँ पे लिखा है कि एक स्ट्रैंड का जो adenine होता है वो दूसरे स्ट्रैंड के thymine से अटैच रहेगा. ओके, ऐसे ही vice versa भी हो सकता है. और इनके बीच में क्या होता है, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, अभी एडेनाइन और थायमिन में टू हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. तो यहाँ पे जब guanine और cytosine अटैच्ड होते हैं, मतलब एक स्ट्रैंड का guanine दूसरे स्ट्रैंड के साइटोसिन से अटैच रहेगा, तो उस टाइम पे वहां पे थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. ओके, ये भी अगर कहीं लिखना हो या फिर ध्यान में रखना हो तो रख सकते हो. यहाँ पे एडिनिन और थायमिन में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और गोनिन और साइटोसिन में थ्री होते हैं. ओके, ये स्ट्रक्चर थोड़ा समझ में आया. हेलो, यस मैम. यस मैम. It looks like a twisted ladder. अभी ये जैसे दिख रहा है, ठीक है, ये ladder की तरह structure होगा. And then a double stranded combination of sugar, phosphate and nitrogen, जैसे कि ये तीन part है उसके बताया. Phosphates are very negatively charged, so they repel each other. अभी यहाँ पे ये जो phosphates हैं, ये कहाँ पे present होंगे, ये यहाँ पे present होंगे या फिर यहाँ पे एज अ बैकबोन प्रेजेंट हो गए. तो एक दूसरे को ये क्या, इनका क्या है, ये ज्यादातर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. तो यहाँ पे वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे, इसलिए ये ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं. ओके, इसलिए ये ऐसा फॉर्म है ना कि ऐसा अटैच्ड फॉर्म है पूरा. एंड देन आता है, इट इज अ मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ऑब्वियसली ये डीएनए जो है, ये मॉलिक्यूल है, पूरा जो क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है.
देन उसके बाद में डीएनए इज अ ब्लूप्रिंट दैट टेल्स सेल्स टू सेल्स हाउ टू बिल्ड प्रोटीन्स. अभी ये क्या है, ब्लूप्रिंट है जो कि सेल को बोलेगा कि प्रोटीन कैसे कैसे बनाने हैं. ठीक है, तो इसके बाद में जो आता है, देयर आर फोर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ओके, अभी न्यूक्लिक एसिड से ही प्रोटीन्स बनेंगे. ओके, और नीचे जो एक अलग सा नाम है सेंट्रल डॉगमा करके, अभी इसका सेंट्रल डॉगमा का मीनिंग क्या है, देखो, वन वे फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा. अभी यहाँ पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा डीएनए से लेके प्रोटीन बनाने तक, उसको हम लोग सेंट्रल डॉगमा बोलेंगे. ठीक है, यहाँ की इमेज में तुम लोग को दिया हुआ है, ये डीएनए है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने के बाद में ये आरएनए होगा, देन ट्रांसलेशन होने के बाद में ये प्रोटीन बनेगा. ओके, ये सारी प्रोसेस को पूरा सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं, जहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है. समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? ओके, इसमें कोई डाउट्स हैं यहाँ तक? नो मैम. नो मैम. ओके, अभी ये देखो, यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, मेन जो डीएनए में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है. अभी न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, और दूसरा जो ग्रुप होगा शुगर, डीऑक्सी राइबोस. अभी यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, दो ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे और कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो पांच प्रेजेंट होंगे. ओके, इसलिए इसको पेंटोस शुगर को बोलते हैं. और नाइट्रोजन बेसिस में क्या क्या आएगा, अभी मैंने बताया था तुम लोग को, कोई बताएगा नाइट्रोजनस बेस में क्या क्या आएगा? एडेनाइन गुआनाइन. एडेनाइन गुआनाइन थायमाइन सिटोसिन थायमाइन. राइट, मतलब बेसिकली जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होंगे वो आएंगे सारे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है थैंक यू, यहाँ पे तुम लोग का अभी डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया है. अभी कल हम लोग देखेंगे वो पैकेजिंग ऑफ ये होगा प्रोकैरियोट्स, जिसमें डीएनए का पैकेजिंग देखेंगे हम लोग, तो वहां पे पता चलेगा कि डीएनए कैसे कैसे अरेंज है, सेल के अंदर है, सेल के अंदर ही होता है. ओके, तो बाद में एनिमल्स में कैसे अरेंज है, न्यूक्लियस में या फिर साइटोप्लाज्म में कैसे, ये सारा हम लोग कल देखेंगे. ओके, किसी को कोई डाउट्स नहीं है ना इसके बारे में? नो मैम. नो मैम. मैम ओके, चलो अभी इतना सब कुछ हो गया, कोई मेरे को शॉर्ट में एक्सप्लेन करेगा डीएनए का स्ट्रक्चर? या फिर तुम लोग को जितना भी समझ में आया उतना बता सकते हो, क्योंकि मुझे देखना है कि तुम लोग को एटलीस्ट कहाँ तक समझ में आया होगा. अच्छा, डीएनए की डेफिनेशन को ही बताओ. डीएनए होता क्या है, क्या कैरी करता है वो? डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है. ओके, और बैक्टीरियोफेजेस का मतलब क्या होता है? वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. ओके, राइट, नीचे देख नहीं रहे हो ना कुछ? नो मैम. मैंने उसके बाद में, हम लोगों ने जब डीएनए को लेबल किया था, राइट, किसे लेबल किया था हम लोगों ने डीएनए को? डीएनए को फॉस्फरस से. ओके, राइट, फॉस्फरस के आगे भी कुछ एक नंबर था, 32 रेडियो एक्टिव फॉस्फरस. ओके, यस मैम. और प्रोटीन को जो अटैच किया था वो सल्फर था. सल्फर था. और तुम लोग को ये ध्यान में रखना है कि फॉस्फरस डीएनए में प्रेजेंट होता है और सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और वायरस जब भी, जब तक उनको होस्ट नहीं मिलता तब तक वो अपना क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन नहीं करते अपना. ओके,
अगर उनको कोई होस्ट मिल जाता है या फिर बैक्टीरिया का सेल मिल जाता है तो उसमें से ही अपना इन्फॉर्मेशन आगे कैरी करते हैं. ठीक है? यस मैम. समझ में आया यहाँ तक सब कुछ? यस मैम. यस मैम. तुम लोग को उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा ना? नहीं, ले लिया मैम. ये डीएनए का वो सब ले लिया? यस मैम. यस मैम. ठीक है, अभी तुम्हें मैं होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देती हूँ. ओके, वो रेडी रखना. ओके. एक मिनट में तुम लोग को क्वेश्चंस दे रही हूँ सर. ओके, फर्स्ट वन लिखो. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ये चैप्टर बहुत बड़ा है अभी और बहुत सारा सीखना बाकी है. अभी ये सिर्फ बेसिक बेसिक था, अभी तुम लोगों को असली प्रोसेस आएंगे. ओके, अभी लिखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. यस मैम. देन उसमें फर्स्ट लिखो फिथ ग्रिफिथ वर्क ऑन. ग्रिफिथ वर्क ऑन डैश. उसके तुम लोग को ऑप्शंस दो या तुम लोग लिख लोगे? हम लिख देते हैं मैम. ठीक है, चलेगा. तो नेक्स्ट लिखो मैम, वो फर्स्ट वाले का आंसर बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए होगा ना? नहीं. अरे ऑब्वियसली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होगा. ओके, क्या मैम? अभी लिख सकते हो चाहे तो, अभी तुम्हें आ रहे थे क्वेश्चन. चलो, मैंने तो अच्छा पढ़ा लिया. अभी वो एक ही छोड़ दो, अभी नीचे क्वेश्चंस लिख लो थोड़ी सी. अभी वैसे तो इसमें छोटे बहुत ही कम आएंगे तुम लोग को एमसीक्यूज, तो इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चंस ही लिख लो. शॉर्ट नोट्स लिख लो या फिर शॉर्ट आंसर्स लिख लो. फर्स्ट क्वेश्चन लिखो. What is transforming principle?
what is transforming principle? Okay. नीचे लिखो एक्सप्लेन एक्सप्लेन हर्षे चेस एक्सपेरिमेंट विद द डायग्राम. मैम आपने जो स्लाइड्स बनाए हैं उसी का लिखा तो चलेगा ना? उसमें का तुम लोग को मैंने वो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तुम लोग को डिटेल में लिखना है. ओके मैम. ओके, मतलब मैंने जितना लिखा हुआ है 5-10 लाइन होगी हार्डली, तो उतने ही नहीं लिखने. मैंने जो एक्सप्लेन किया था ना दोनों स्टेजेस जो थे डीएनए के और प्रोटीन के, वो सारे तुम्हें लिखने हैं. ओके यस मैम. तुम्हारी लैंग्वेज में भी लिखोगे तो चलेगा, या फिर टेक्स्ट बुक होंगे ना तुम्हारे पास, वो फुल्ली कॉपी नहीं करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है उसमें. क्वेश्चंस फिर से बोलो. यस मैम, सेकंड वाला. ओके, एक्सप्लेन हर्षी चेज एक्सपेरिमेंट with the diagram. मैं करण का फोन आया तो मैंने काट दी. देन सेकंड लिखो, ये थर्ड लिखो. एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ T2 वायरस. Explain structure of pitovirus. इसमें डायग्राम भी निकाल सकते हो अगर निकालना है तो, निकालनी पड़ेगी. ओके, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वायरस में वो भी तुम्हें अच्छे से लिखने हैं. वैसे तो दो ही होते हैं मॉलिक्यूल्स. ठीक है? यस मैम. यस मैम. और फोर्थ ले लो. What is DNA? What is DNA? Explain in detail. ओके, अभी ये डीएनए में तुम्हारा डीएनए क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारे लिखने हैं. पीपीटी से थोड़ा बहुत ले सकते हो, बट खुद का भी उसमें डालना है जो मैंने बताया एक्स्ट्रा का. ओके, हो गए ये 4 क्वेश्चंस. यस मैम. यस मैम. ये अगले लेक्चर के लिए रेडी रखना, मैं बता दूंगी तुम लोग को किस पे सेंड करना है. मैं तो शाह सर को बता दूंगी, वो तुम लोग को बता देंगे. ठीक है? ओके मैम. ओके, तो चलो फिर कल मिलते हैं. ओके मैम. ओके, थैंक यू मैम. बाय बाय मैम. बाय मैम.